ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हम फिर इसको चेक करेंगे। चेक फॉर वन, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो पी वन हमारा हो जाएगा वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव, दैट विल बी टू सिक्स जा ट्वेल्व, तो इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, तो ये हो गया ट्रू, इट इज ट्रू, ये ट्रू होगा तो हम आगे चलेंगे। लेट पी के बी ट्रू। यहाँ तो पी के को हम लेंगे के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, ये हम सपोज कर रहे हैं। लेट पी के बी ट्रू, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे के इंटू के प्लस वन के प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री एम, इसे मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के इंटू के प्लस फाइव, इसे फिर मल्टीप्लाई करिए के क्यूब और फाइव के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सिक्स के स्क्वायर प्लस फाइव के इज इक्वल्स टू थ्री एम। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि हमें सिंगल टर्म को लेफ्ट साइड रखना है, बाकी सबको राइट साइड रखना है, तो ये मल्टीप्लाई में था के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको प्लस माइनस में लाएंगे तब। अब सिर्फ लेफ्ट साइड में के क्यूब को रख लीजिए, बाकी सबको इधर ले आइए, थ्री एम माइनस सिक्स के स्क्वायर माइनस फाइव के, लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया वन। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी के प्लस वन इज ट्रू, तो पी के प्लस वन कहाँ है, जहां हमारे पास के के प्लस वन के प्लस फाइव है वहां के प्लस वन रखना है, इसी में समझिए बस। तो आपको क्या करना है, आपको करना है के प्लस वन और के प्लस वन प्लस वन एंड के प्लस वन प्लस फाइव इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ये आपको प्रूफ करना है। हाँ भाई, ये किया आप लोगों ने जी? यस सर, कर लिया। यस सर, जरा इसे मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा, के प्लस वन के प्लस टू के प्लस सिक्स, जरा इसको सिंप्लीफाई करो, पहले टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर थ्री के प्लस टू इंटू के प्लस सिक्स, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के क्यूब सिक्स के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर नाइन के स्क्वायर एंड ये हमारे पास आएगा एटीन के एंड टू के ट्वेंटी के प्लस ट्वेल्व, यही आया, किसी बच्चे ने किया हो तो? यस सर। ठीक है, तो यही है। अब आपके पास जो इक्वेशन वन में है बेटे, इक्वेशन वन में क्या है बेटे, के क्यूब, ठीक है, सिर्फ सिंगल टर्म उसको बेटे रिप्लेस करिए के क्यूब से, बस यही करना है सारे क्वेश्चन में। तो फ्रॉम वन, बुक में कुछ अलग अलग दिया रहता है, दो टर्म ले लो थ्री टर्म ले लो, मैं सिर्फ कहता हूँ सिंगल टर्म रखो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो के क्यूब को आप रिप्लेस करोगे बेटे थ्री एम, थ्री एम माइनस सिक्स के स्क्वायर माइनस फाइव के, और हमारे पास बचा क्या, बाकी ये सब एज इट इज रह गया, प्लस नाइन के स्क्वायर प्लस ट्वेंटी के प्लस ट्वेल्व। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, अब इसमें से ऑटोमेटिकली सारे टर्म्स में से थ्री अपने आप कॉमन आएगा, अगर मल्टीपल ऑफ थ्री आपको शो करना है तो थ्री ऑटोमेटिकली कॉमन आएगा। कैसे कॉमन आएगा, ध्यान से देखते जाइए,
एक्चुअली 3m तो एज इट इज रहेगा, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये 6k स्क्वायर है और ये 9k स्क्वायर है, तो प्लस का क्या आएगा बेटे? इन केस ठीक है 3k स्क्वायर, ये माइनस, ये माइनस 5k है और ये 20k है, तो क्या आएगा बेटे? प्लस 15k और ये 12 तो एज इट इज है बेटे, तो क्या इन सब में से 3 कॉमन है? यस सर। ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो टर्म आ जाएगी जो हमें चाहिए, 5k प्लस 4 प्लस 4, तो आप कह सकते हो यस इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 3 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया? सो pk प्लस 1 इज ट्रू। अगर pk प्लस 1 ट्रू हो गया तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास होते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो सब बच्चे।